तो भाई जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि थार जो है 4x2 में लॉन्च होने वाला है, जिसको लेके बहुत सारा डिटेल ऑफिशियली अब आ चुका है, जैसे कि प्राइसिंग वगैरह, इंजन स्पेसिफिकेशन भी आ चुका है और दो नया कलर ऑप्शन आपको मिलेगा। ये सारा कुछ का बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो स्वागत है दोस्तों मेरे एक नए वीडियो में, मेरा नाम है आदित्य राज। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पे कलर ऑप्शन के बारे में। तो थार 4x4 जो आता था उसमें आपको 6 कलर ऑप्शन मिलता था, जिसमें से दो कलर ऑप्शन अब डिसकंटिन्यू हो जाएगा और थार 4x2 में आपको दो नया कलर, एक एवरेस्ट वाइट और दूसरा आपको ब्लेजिंग ब्रॉन्ज कलर मिल जाएगा। ब्लेजिंग ब्रॉन्ज वही कलर है जो कि अभी नया एक्सयूवी में जो आ रहा है, एक्सयूवी 300 में जो आ रहा है, वही कलर है जो कि मुझे पर्सनली उतना अच्छा लगता भी नहीं। उसके बाद जो अपना एवरेस्ट वाइट कलर है वो आपको थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, क्योंकि आप देखिएगा कि जब एवरेस्ट वाइट कलर आ जाएगा ना, तो ज़्यादातर बंदे एवरेस्ट वाइट मतलब वाइट कलर पे ही जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है थार में, खास करके जैसे कि अरुण पवार भाई ने कराया तो उनका थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। लेकिन जब थार 4x2 में बहुत ज़्यादा वाइट कलर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइट में ही बिकेगा मुझे ऐसा लगता है, तो आपको बहुत ज़्यादा वो कॉमन हो जाएगा, फिर ज़्यादा लोग उसे नहीं खरीदेंगे और या फिर ज़्यादा वो यूनिक भी नहीं लगेगा। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि आपको इसमें जो इंजन मिल रहा है वो आपको एक्सयूवी 300 वाला इंजन मिल रहा है, तो इसमें आपको जो पावर वगैरह मिलेगा ना वो 115 bhp का पावर मिलेगा और 300 Nm टॉर्क के साथ। तो 300 Nm टॉर्क तो सेम है जो कि नॉर्मल 2.2 लीटर वाला जो डीजल इंजन आता है थार का, उसमें भी आपको यही मिलता है, लेकिन पावर जो है वो आपको 15 bhp का कम मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि 15 bhp से उतना कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ये है कि आपको थोड़ा सा पावर, इंजन थोड़ा कम पावरफुल है तो उसको लेके आपको माइलेज का कंसर्न रह सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें एक और ख़ास बात है कि आपको जो 4x2 डीजल है उसमें आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ मैनुअल ऑप्शन है। ये एक कंपनी का स्ट्रेटजी है, जिससे कि अगर मान लीजिए कि 4x2 है वो सस्ता मिलेगा, कहीं लोग 4x4 को छोड़ के इसी को ना ज़्यादा खरीदने लगे, इसको देखते हुए कंपनी ने ये स्ट्रेटजी लगाया। हाँ, अगर इसका पेट्रोल वाला वेरियंट आता है 4x2 में तो उसमें आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलेगा, लेकिन डीजल में 4x2 ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेगा। अब अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग इसका एक्सपेक्टेड है 13 लाख से लेकर 16 लाख के बीच में एक शोरूम। वहीं आपको 2 से 3 दिन में इसका ऑफिशियल प्राइसिंग लॉन्च हो जाएगा, तो आप उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी ऐसा कोई न्यूज आए तो मैं आपको बता सकूं। तो यही था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया 4x2 के बारे में। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।